हेलो जी, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है मेरे चैनल विलेज लाइफ इन हरियाणा विद मीनाक्षी में, जिसमें मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करती हूँ। और अब बज रहे हैं शाम के 5। अब मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। बारिश की वजह से काम सफाई का जो बहुत ज़्यादा काम फैल गया था, इसलिए मैंने कोई व्लॉग शुरू नहीं किया। सफाई में लग रही थी सुबह से, तो अब शुरू कर रही हूँ शाम को। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी इवनिंग रूटीन। मम्मी क्या कर रही हो आप? वीडियो ले रही हूँ। किसकी? मीनाक्षी की। मीनाक्षी की नोट तो कर रखा है आपने। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। बर्थ करके अब मेरे वीडियो के बारे में बोल रहे, कुछ कोई भी लाइक ना करे। लाइक मैं करूँ? आप करोगे? एक से क्या हुआ है, और भी करवाएंगे। सब कर दो, सब कर दो, सब करेगा जो देखेगा। हाँ जी, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ऑटोमेटिक मशीन के बारे में, कि इसको कैसे चलाते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो नॉर्मली इसमें कपड़े ऐसे ही धुते हैं जैसे हम सिंपल मशीन में धोते हैं ना, उस तरीके से कपड़े धो सकते हैं इसमें। बट सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है, दो फायदे इसके सबसे ज़्यादा, तो जो जिनके घरों में काम ज़्यादा होता है या कोई बाहर जाता है काम करने के लिए, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप इसको चला के छोड़ दो, बटन ऑन करके कपड़े डाल दो और निरमा डाल दो और चला दो इसको, आपको कपड़े धुले हुए मिलेंगे, ये अपने आप धो के सुखा के देगी आपको। और दूसरा है कि सर्दियों में ठंडे पानी में हम हाथ नहीं दे पाते हैं, ठंड ज़्यादा होती है, कपड़े ठंडे पानी में नहीं धो पाते हैं, तो इसमें पानी गर्म करने का भी ऑप्शन है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमने की ऑन, ठीक है। अब ये वन आ गया, वन पे है जो हम नॉर्मल कपड़े धोते हैं ना डेली रूटीन के। देखो ये रहा, टू पे हैवी कपड़ों का, थ्री पे है डेलिकेट कपड़ों का, चौथे पे है वाइट कपड़ों का, और पांच पे है स्टेन वॉश, छह पे एंटीबायोटिक, और सात पे है वुलन जो गर्म कपड़े होते हैं, आठ पे बेडशीट धोते हैं ना उसके लिए अलग ऑप्शन है, फिर है इको वॉश, फिर है रिंस और ड्राई कि कपड़ों को हाथ से धो लो और फिर इसमें साबुन लगे हुए कपड़ों को डाल के ये अपने आप धो देगी और सुखा देगी, ठीक है। फिर है ड्राई ओनली, फिर है 11 पर है सिर्फ सुखाने सुखाने हैं, और फिर 12 पे है कि वॉश ओनली कि हम इसमें कपड़े डाल देंगे निरमा डाल देंगे, 12 पर कर देंगे इसको, फिर ये पानी नहीं निकालेगी, बस कपड़ों को वॉश करेगी निरमा में, फिर हम सिंपल मशीन की तरह इनको कपड़ों को निकाल कर उसी निरमा के पानी में दूसरे डाल देंगे, ठीक है। और ये है इसके ऑप्शन, ठीक है, क्या क्या करना है हमें। फिर ये हो गया एक्सप्रेस वॉश, जल्दी धोना है, वाटर लेवल हमें कितना रखना है, और ये डिले वॉश इसमें है कि टाइम ज़्यादा लंबा करना हो आपको, हार्ड वाटर वॉश की, और ये है अल्ट्रा क्लीन, इसमें पानी का लेवल किया जाता है कि नॉर्मल रखना है, गर्म रखना है या ज़्यादा गर्म करना है, कैसा रखना है, ठीक है। इसमें हम सिंपल मशीन की तरह भी कपड़े धो सकते हैं और ऑटोमेटिक मशीन तो है ही है ये। मैं कर रही हूँ ओपन इसको, इसमें डालूँगी निरमा, इसमें डालूँगी निरमा, ये डाल दी निरमा, बंद। अब इसमें डालूँगी कपड़े, ये डाल दी मैंने इसमें कपड़े, अब मैं इसको चला दूँगी। वाइट कपड़े इसलिए गर्म वाटर रखूंगी, ये चल गई है। अब
दोएगी 1 घंटा 46 मिनट में। ये भी है कि सब ये कहते हैं कि गांव में कि ये ज़्यादा पानी वेस्ट करती है। अगर आप ऑटोमेटिक यूज़ नहीं करना चाहते हो इसको, तो एक बार पानी डाल के, निर्मा डाल के, और बार बार उसी पानी में कपड़े वॉश कर सकते हो आप, और हाथ से धो सकते हो, पानी भी बचत हो जाएगी आपकी। जिसके पास मशीन है वो तो ठीक है, सिंपल वाली जो लेना चाहता है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये मशीन, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। हाँ, प्रॉब्लम तो वही है जो सिंपल मशीन में होती है वो इसमें है। हाथ से वाइट कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं, कॉलर वगैरह हाथ से धोने पड़ते हैं। दूध निकाल लिया है गाय का और भैंस का, अब पीऊँगी चाय और फिर बनाएंगे सब्जी। ये रही हमारी चाय, चाय पी ली है। अब जाऊंगी मैं प्लाट में उपला लेने के लिए, मिलते हैं प्लाट में। हाँ जी, आ गए हम प्लाट में लेने के लिए उपले। ये रहा हमारा बिटोड़ा। मम्मी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मंदिर में। मंदिर में केक लगे पूजा करते रात ने? सत्संग में देख देख। अच्छा, सत्संग में वहीं जाने की तैयारी है। ठीक है, बालकन देखो क्या कर रहा है। ये देखो इनकी पढ़ाई, ऐसी पढ़ाई हो रही है पीयूष। हाँ। अभी मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरी हिंदी का एग्जाम है, तो फिर मुझे प्रिपरेशन करनी है। बाय पीयूष। आप क्या पढ़ रहे हो? हिंदी विशेषण पढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरे वीडियो के बारे में कुछ बोलना है? हाँ, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। और 1 वीक के अंदर मैं तू। अच्छा जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना, जैसे कि वाणी और पीयूष ने बोला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय करेंगे वाणी और पीयूष। थैंक यू फॉर वॉचिंग।